दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ओवर पिच्ड और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चार रन के लिए। एक पैसा खर्च किए बिना क्रिकेट के रोमांचक क्षणों का पूरा आनंद लेने के लिए करोड़ों भारतीय इस आवाज के कर्जदार हैं। आंखों देखा हाल सुनकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बरसों से मन की आंखों से क्रिकेट मैच की सजीव अनुभूति करते रहे हैं। हिंदी क्रिकेट कमेंट्री की रजत जयंती के असली सम्मान के हकदार हैं चंदू सरवटे और सुशील दोषी। मगर क्या इस आवाज को पहली बार भी इतनी आसानी से ही स्वीकार किया गया था? वो डिफिकल्टी आई और कुछ उसमें ये भी था कि किसको दिया जाए चांस, इस पर भी कुछ पत्रकारबाजी हुई और ये हुआ। मगर फिर आखिर में डायरेक्टर साहब जो थे उनका डिसीजन फाइनल रहा कि नहीं भाई इन्हीं को कमेंट्री दी जाए, और इस तरह से वो फिर शुरुआत हुई कमेंट्री। क्योंकि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि हिंदी में कमेंट्री भी हो सकती है, इसलिए लोगों की पहली नज़र ये थी कि इसमें से बुराई कैसे चुने। तो मुझे याद है कि एक अखबार ने तो ये भी लिख दिया था कि अगर मैं जिंदगी भर भी कमेंट्री सीखूं तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकता। आंखों देखा हाल सुनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो फिर क्या तकनीकी दृष्टि से विकसित खेल क्रिकेट की कमेंट्री के लिए अच्छा खिलाड़ी होना भी जरूरी है? अच्छे खिलाड़ी रहे तो उनका जो टास्क है या जो काम है वो काफी आसान हो जाता है, पर उसके लिए उनको पास शब्दावली चाहिए। क्रिकेट का बुद्धिमानी पूर्ण दिमाग होना चाहिए, आपको समझना सब चाहिए, आप कुछ न कुछ लेवल तक क्रिकेट खेला होना चाहिए, चाहे बहुत ऊंचे लेवल तक ना खेला हो, लेकिन आपको मालूम जरूर होना चाहिए कि बल्ला पकड़ने का अर्थ क्या होता है या गेंद करने का अर्थ क्या होता है। तो हर शब्द का एक चित्र होता है, तो वो शब्द से चित्र उतारना ही कमेंटेटर की सबसे बड़ी खूबी है। पूनम की रात में समंदर के उतार चढ़ाव जैसा हलचल भरा खेल है क्रिकेट। होनी अनहोनी की अनगिनत सीपियों से भरे इस खेल में जाहिर है कुछ चुनिंदा मोती भी होंगे। मैं लॉर्ड्स पर कमेंट्री कर रहा था इंग्लैंड में, दिलीप वेंकसर्स ने तीसरी बार टेस्ट में उसने 100 किया टेस्ट में लॉर्ड्स पर, जो एक बड़ा रेयर फीट होता है, तो उसने वो किया तो उसमें बहुत आनंद आया। उसमें कराची टेस्ट मैच भारत और पाकिस्तान का 1978 का, तब पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी पारी में कुछ 70 मिनट में 90 या 92 रन चाहिए थे। एक बार जब पाकिस्तानी खिलाड़ी एक ही तरफ रह गए और थ्रो करने को बचा था केवल भारतीय फील्डर के पास, लेकिन फिर भी उसने गलत जगह थ्रो कर दिया, उधर ही कर दिया जिधर की दोनों बैट्समैन थे। तब मैंने अंपायर को देखा कि वो कह रहे थे कि बैट्समैन को, जैसे एक बार वो भूल ही गए कि वो अंपायर हैं। अपनी पूरी रोशनी बांटकर सूरज ढलने को है, मगर कल के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सवेरे के सूरज को ये कुहासा आना होगा। लेकिन लोग रातों रात कमेंटेटर बनना चाहते हैं, कोई भी ये ठहरना नहीं चाहता, कोई भी कोशिश करना नहीं चाहता, कोई भी परिश्रम करना नहीं चाहता। मैं उनको कैसे बताऊं कि जैसे बचपन में जब मैं सोचता था कि कोई स्क्वायर कट करता है तो वो कैसे करता है, तब तो मैंने पूरा स्ट्रोक अपने आप सोचा कि किस तरह से किया, गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट किया चार रन के लिए ना। तो इस तरह से ये पूरा जो आता है, कितनी मेहनत की होगी शुरू की भाषा में, इसमें शॉर्टकट की गुंजाइश नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार उन्नति करनी पड़ेगी। नए उद्घोषकों के लिए पुराने उद्घोषक पगबाधा नहीं बल्कि मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, फिर भी रास्ता उन्हें खुद ही तय करना होगा। चंदू सरवटे और सुशील दोषी की रजत जयंती ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का क्षेत्र हमारा है, लेकिन अफसोस इसी बात का कि इन दो दिग्गजों की परंपरा को चलाने के लिए नई पीढ़ी लगभग अनुपस्थित है। क्या मध्य प्रदेश में हिंदी क्रिकेट कमेंट्री की परंपरा जीवित रखने के प्रयास होंगे? दस्तक के लिए मैं आशुतोष देशमुख।